Good morning everyone. Welcome to TS in the school. Myself Swati. We are doing chapter number 7 market. इसका first part हम complete कर चुके हैं. First part हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर हमने पढ़े थे forms of market. ठीक है, चार forms of market हमने वहाँ पर देखे थे. Perfect competition market, monopoly market, oligopoly market and monopolistic market. ये चार market हमने वहाँ पर पढ़े थे. Now see, the next portion of this topic is market equilibrium. ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है मार्केट इक्विलिब्रियम. जहाँ पर मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, ये तो हो गया हमारा सप्लाई कब, ये हो गया हमारा डिमांड कब, जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाता है, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, देन दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम. नाउ सी द डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस. ये वो स्टेट होता है मार्केट का, वो जगह होता है जहां पर डिमांड किसके बराबर हो जाती है? सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली. उसी कमोडिटी की डिमांड जब किसके बराबर हो जाएगी? सप्लाई के बराबर. कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, और किसी प्राइस के ऊपर वो रन करेगा. ठीक है, किस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाकर के डिमांड जब सप्लाई के बराबर हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस हमारा क्या कहलाएगा? एक कांस्टेंट प्राइस कहलाएगा. किस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमारा जो डिमांड है वो किसके बराबर हो गया? सप्लाई के बराबर. समझ में आया आप लोगों को मार्केट इक्विलिब्रियम? इसका एक फॉर्मूला है डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स. डी एक्स क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स. ठीक है, किसी जैसे किसी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स कमोडिटी. एक्स कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो डिमांड होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डी एक्स से. और उसकी सप्लाई को किससे डिनोट किया जाएगा? एस एक्स से. समझ में आया आप लोगों के? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हम किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम निकालते हैं? तो इसके दो फॉर्म्स हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो डिमांड चल रही है वो डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड कहलाएगी. और पूरे मार्केट के अंदर जो सप्लाई चल रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो क्या कहलाएगी? मार्केट सप्लाई कहलाएगी. समझ में आया आप लोगों को? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है? ज्यादा जो सप्लाई होती है वो क्या कहलाती है? एक्सेस सप्लाई. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट डिमांड. जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी एट अ गिवन प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो वो हमारा जो सप्लाई होगा वो जो ग्रेटर जो सप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेस सप्लाई. समझ में आया कि डिमांड तो हमारी कम रह गई, मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड कम है लेकिन उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, प्रोड्यूसर्स ने ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा कमोडिटीज उसकी मार्केट के अंदर रन करा दी, तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सेस सप्लाई है, जो ज्यादा कमोडिटी वहां पर अवेलेबल है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेस सप्लाई कहलाएगा. एक्सेस सप्लाई इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड. एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि जो मार्केट डिमांड होती है वो ज्यादा हो जाएगी किससे? मार्केट सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी किससे? मार्केट डिमांड से. यहाँ डिमांड कम हो गई और क्या ज्यादा हो गई? सप्लाई. समझ में आया? नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस सप्लाई, यानी क्या ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट सप्लाई एट अ गिवन प्राइस. ठीक है, एक्सेस डिमांड यानी क्या ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है. किससे ज्यादा है? सप्लाई से ज्यादा है. यहाँ पर जो डिमांड होता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है किससे? मार्केट सप्लाई से, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस. ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई से तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है? मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई क्या हो गई? छोटी हो गई यहाँ पे, और ग्रेटर क्या हो गया? मार्केट डिमांड हो गया. आया समझ में आप लोगों को? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई. तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का क्या रोल होता है मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर?
परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सी द स्केड्यूल, यहाँ पर क्या है एक्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की जो भी यहाँ पर सेलिंग और जो डिमांड हो रही है, ठीक है, सप्लाई और जो डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने किस में ली है, एक्स में, ठीक है। क्यू एस क्या है क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड क्यू डी क्या है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। एस से क्या हो जाएगा सप्लाई और डी से क्या हो जाएगा डिमांड, एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे कमोडिटी एक्स, ठीक है। नाउ सी 555 रुपीज के ऊपर ये जो एक्स है वो हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है, ये प्राइस बता रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कि 5 रुपीज के ऊपर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना सप्लाई हो रहा है, 50 क्वांटिटी यानी कि 50 यूनिट्स उसके सप्लाई हो रहे हैं, और डिमांड कितने की है 10 यूनिट्स की, और सप्लाई कितनी होगी 50, तो यहाँ पर क्या ज्यादा हो गया सप्लाई ज्यादा हो गया, ठीक है, और डिमांड क्या होगी कम हो गई। उसके बाद 4 रुपीज के ऊपर जब प्राइस 4 रुपीज है तो सप्लाई कितनी हो रही है 40 यूनिट्स हो रही है, और डिमांड कितनी हो रही है 20 यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या ज्यादा हो गया सप्लाई ज्यादा हो गई, आया समझ में। उसके बाद 3 रुपीज पे हम बात करते हैं, सप्लाई यहाँ पर कितना है 30 यूनिट्स, और डिमांड भी कितना है 30 यूनिट्स, तो यहाँ पर सप्लाई किसके बराबर हो गई डिमांड के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट 2 रुपीज के ऊपर सप्लाई कितना हो रहा है 20, और डिमांड कितना हो रहा है 40, तो यहाँ पे क्या ज्यादा हो गया हमारा डिमांड ज्यादा हो गया, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गया हमारा और सप्लाई क्या हो गई कम हो गई। यहाँ पर 1 रुपीज प्राइस के ऊपर सप्लाई कितना हो रहा है 10, और डिमांड कितना हो रहा है 50, तो यहाँ पर भी क्या ज्यादा हो रहा है हमारा सप्लाई कम हो रही है और डिमांड क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, समझ में आया आप लोगों को। तो जहां पर मैंने आपको एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड अभी बताया था, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन में क्या होता है सप्लाई बड़ी होती है किससे डिमांड से, हो रहा है यहाँ पे देखो क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है 50, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है 10, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है 40, और डिमांड कितना है 20, तो यहाँ पर क्या ज्यादा हो गई सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी एक्सेस सप्लाई, ठीक है। जहां पर हमारा डिमांड ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो रही है 40 और ये सप्लाई कितनी हो रही है 20, तो यहाँ हमारा डिमांड क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है और सप्लाई कितनी हो रही है कम हो रही है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी एक्सेस डिमांड की कहलाएगी, समझ में आया आप लोगों को। जहां पर सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड कम होगा वो कंडीशन किसकी कहलाएगी एक्सेस सप्लाई की कहलाएगी, और जहां पर डिमांड हमारा ज्यादा है और सप्लाई कम है वो कंडीशन किसकी कहलाएगी एक्सेस डिमांड की कहलाएगी। अब जहां पर डिमांड ही सप्लाई के बराबर हो रहा है तो वो वाली जो सिचुएशन होगी वो क्या कहलाएगी इक्विलिब्रियम, क्या कहलाएगा वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा, समझ में आई बात। तो 3 रुपीज के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है 30, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है 30, यानी जितनी मार्केट के अंदर डिमांड थी उतनी ही सप्लाई हुई है, ना ज्यादा ना कम, तो जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम, वही प्राइस हो जाएगी ये वाली जो प्राइस है, यानी जो 3 रुपीज की ये प्राइस है वो क्या हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, और ये 30 और 40 ये यहां पर जो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, समझ में आया। जहां पर ये डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। नाउ सी द डायग्राम, यहां पर वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया, वाई एक्सिस पे हमने शो किया प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया क्वांटिटी, ठीक है, कि किस प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहा है या कितनी डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर उस क्वांटिटी की। नाउ सी यहां पर देखो ये जो हमारा कर्व है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जो ये कर्व आ रहा है वो कौन सा कर्व है डिमांड कर्व, और ये लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ जो कर्व जा रहा है वो कौन सा है सप्लाई कर्व, ऊपर की तरफ जो कर्व जाएगा वो क्या कहलाएगा सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जो कर्व जाएगा वो क्या कहलाएगा डिमांड कर्व, ठीक है। डी और एस, डी डी और एस एस, जहां पर डी डी एस एस के बराबर हो रहा है ये डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको हमने क्या नाम दिया ई नाम दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो थ्री प्राइस के ऊपर
3 रुपीज जो प्राइस है, तो हमारा डिमांड कहाँ चला गया? डिमांड कब यहाँ पर है? सी से किसके ऊपर चला गया? डी के ऊपर चला गया। ठीक है, यानी सप्लाई कितनी हो रही है? सी, और डिमांड कितनी हो रही है? डी। तो यहाँ पे किसकी कमी हो रही है? डिमांड की कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले में 5 रुपीज प्राइस है, 5 रुपीज प्राइस के ऊपर ये हमारा जो ये डिमांड है, ये सप्लाई जो है वो ए से किसके ऊपर चला गया? बी के ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। और नीचे वाला जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड बोलेंगे। एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में क्या आ जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है यानी क्या, सप्लाई कम हो रही है यानी उस कंडीशन में क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रही है। और एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन में क्या होगा? ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सरप्लस, कि डिमांड है ही नहीं और मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी? सरप्लस वाली कंडीशन कहलाएगी एक्सेस सप्लाई। और शॉर्टेज वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड कहलाएगी। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ट्राइंगल है जो ए से बी के ऊपर जो ये रन कर रहा है डिमांड कर्व, जो बी से एस पे आ रहा है। ठीक है, इन डिमांड और सप्लाई कर्व के बीच का ये जो गैप है, ये गैप क्या किसका कहलाएगा? सरप्लस का कहलाएगा। समझ में आया? क्योंकि सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पर क्या बढ़ रही है? सप्लाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन में डिमांड जो है हमारी, वो क्या हो गई? कम हो गई। और सप्लाई क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। याद रखना, एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन में सप्लाई ज़्यादा होगी, सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस यानी फ्लो हो गया, एकदम से फ्लो हो गया मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का, जबकि इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है, यानी सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए हमने ऊपर वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? एक्सेस सप्लाई और सरप्लस। समझ में आया आप लोगों को? अब जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है सी से डी के ऊपर जब ये मूव कर रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड की कंडीशन कहलाएगी, और इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेज, और शॉर्टेज भी कहलाएगा ये। समझ में आया आप लोगों को? क्यों? क्योंकि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या है? यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो डिमांड कर्व है वो हमारा कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा हो गई हमारी? डिमांड ज़्यादा हो गई। ठीक है, और सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। सप्लाई इधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, यानी कि क्या कम हो रही है? सप्लाई कम हो रही है। यहाँ सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो रही है? राइट में शिफ्ट हो रही है, यानी कि क्या ज़्यादा हो रही है? सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो सप्लाई जब राइट में शिफ्ट होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। और जब लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी? सप्लाई, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब वो लेफ्ट की तरफ आई तो हमारी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। सप्लाई कम हो गई यानी डिमांड ज़्यादा हो गई, एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन। और जब वो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट की तरफ जब वो जाएगी तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्सेस सप्लाई की कंडीशन कहलाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लेना। मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। समझ में आ गया? ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब इसके आगे का जो है वो थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।